नमस्कार इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी और मेरे दोस्तों आज है 16 अक्टूबर 2021 और आज की इस राजस्थान समसामयिकी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है जहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के पांच प्रश्नों का किया जाएगा उनका एनालिसिस उनसे रिलेवेंट और भी जो बातें होंगी उनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला समय बेहतर हो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत सबसे पहले आज की सुर्खियां प्लास्टिक के खिलाफ विष्णु लांबा की टीम कलपत्रु का महाअभियान कचरा दो पोदालो हाँ जी कचरा दो पोदालो अभियान की शुरुआत हुई कहां पर इसकी शुरुआत की गई क्या होने वाला इसके तहत और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं करें शुरुआत भाई अपना पहला क्वेश्चन आता है कि ट्री मैन ऑफ इंडिया पहला क्वेश्चन है कि ट्री मैन ऑफ इंडिया की बात करें किन्हें कहा जाता है के नाम से मशहूर पर्यावरण विद कौन है जिनकी कलपत्रु संस्थान के द्वारा कचरा धोप पौधे लो कचरा दो पौधे लो अभियान चलाया जा रहा है हाँ दोस्तों ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से एक व्यक्ति बात यहाँ पर की जाती है तो मुस्कान की अटेंडेंस हो जाए भाई पैंथर की भी कर दो बाकी सबके अटेंडेंस लगा देना तो उनका नाम क्या जाता है तो उनका नाम आता है विष्णु लांबा क्या नाम आता है मेरे भाई विष्णु लांबा की बात करें ये नाम यहाँ पर आ जाता है अब पूरी कहानी सुनना कहानी यह आती है कि एक संस्थान है एक संस्थान आती है मेरे भाई जिसका नाम आता है कलपत्रु क्या नाम है, है, तो है विष्णु लांबा हां जी विष्णु लांबा की बात करें भाई और याद रखना यदि विष्णु लांबा की यदि हम बात करें तो ये मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं तो ये मूलतः रहने वाले हैं टोंक के ये मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं भाई टोंक के रहने वाले एक बात तो ये ध्यान में रखना और एक इनके द्वारा यदि हम बात करें तो लगभग राजस्थान के अंदर 26 लाख पेड़ ये लगा चुके हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता जाता ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और एक चीज और याद रखना ये जो ट्री मैन ऑफ इंडिया की बात करें इनको ये जो उपाधि दी गई थी ये उपाधि दी गई है प्रणव मुखर्जी के द्वारा किसके द्वारा दी गई भाई प्रणव मुखर्जी के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई कि आप तो ट्री मैन ऑफ इंडिया हो 26 लाख पेड़ आपने लगा दिए गए हैं आपके द्वारा लगाए गए तो विष्णु लांबा जिनका संबंध मूलतः कहां से आता है टोंक से आता है अब ये जो कलपत्रों की बात करें हाल ही में इसके द्वारा एक फेस्टिवल का आयोजन किया है और इस फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया तो यह भी ध्यान में रखना इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया जयपुर के अंदर और ये जो फेस्टिवल जो है इस फेस्टिवल का नाम क्या है जयपुर सेरिंग फेस्टिवल इसको नाम क्या दिया गया है जयपुर शेयरिंग फेस्टिवल हाँ जी जयपुर शेयरिंग फेस्टिवल अर्थात यहाँ के लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और क्या कि आप लोग कचरा दो आप लोग तो क्या करो कचरा दो और पौधे लो कचरा दो और पौधे लो इसके इस थीम के ऊपर जयपुर शेर फेस्टिवल का शेयरिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया और किसके द्वारा भाई कलपत्रु संस्थान के द्वारा जिसके अध्यक्ष विष्णु लांबा आ जाते हैं ये आपको चीजें पढ़नी है बस इतनी सी बात यहां पर आती है अब एक तो ये हो गई दूसरा ये भी ध्यान में रखना ये जो विष्णु लांबा है इनके द्वारा जर्मनी की एक संस्था है भाई जर्मनी की एक संस्था आती है जिस संस्था का नाम क्या आता है इसका आना था डी डब्ल्यू यू एक संस्था आती है जिसका नाम है डी डब्ल्यू यू और इसके द्वारा इनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई जा रही तो यह भी ध्यान में रखना कि भाई जर्मनी की संस्था डी के द्वारा किस पर्यावरण विद के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई जा रही है तो जवाब क्या हो जाएगा सर विष्णु लांबा का नाम यहां पर आ जाएगा एक तो ये दूसरा अब यहां पे नाम किसका आया जयपुर का किसका नाम आया जयपुर का और जयपुर का जब नाम आए तो पांच सात बातें तो बनती हैं योजनाओं की डेट भी करवा दो सर ठीक है भाई करवा दूंगा पांच सात बातें तो आती हैं योजना ही पूरी करवाऊंगा चिंता मत करो भाई क्या पांच सात बातें तो बनती हैं बनती कि नहीं बनती तो याद रखना कि भाई यहां पर राज्य की पहली राज्य की पहली एयर एंबुलेंस की बात करें राज्य की पहली एयर एंबुलेंस की शुरुआत कहां पर हुई इसी जयपुर के अंदर हुई यदि हम बात करें भाई इसी राज्य के अंदर तो यहां पर राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें यह प्लांट कहां पर किया गया एसएमएस जयपुर के अंदर किया गया और यह पहली एयर एंबुलेंस भी कहां प्रारंभ हुई है इसी एसएमएस जयपुर के अंदर यदि हम बात करें यहीं पर राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक आता है राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर है इसी जयपुर के अंतर्गत आ जाता है इसी जयपुर की बात करें तो यहां पर राज्य का पहला अंगदान स्मारक की बात करें अंगदान स्मारक भी कहां पर बनाया गया इसी जयपुर के अंदर बनाया गया है इसी जयपुर की बात करें भाई तो यहीं पर स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की बात करें इसकी पब्लिक हेल्थ की बात करें इसकी शुरुआत भी कहां पर की गई है इसी जयपुर के अंदर की गई है यदि हम यही की बात करें इसी जयपुर की बात करें तो भाई अवनी लेखरा की बात करें अवनी लेखरा का संबंध भी कहां से आता है इसी जयपुर से आता है जिन्हें क्या किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यह इसके अलावा और यदि हम बात करें सर एक दो नाम और आ जाते हैं जैसे हम बात करें किसकी कैलाश साखला की बात करें हाँ जी कैलाश साखला की बात करें इन्हें क्या कहा जाता है भाई तो इन्हें याद रखना टाइगर मैन ऑफ इंडिया इनको इन्हें कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है यदि हम बात करें किसके बारे में श्रीधरन की बात करें किसकी बात करें भाई एक व्यक्ति आता है श्रीधरन की बात करें और इन्हें जाना जाता है मैट्रोमैन इन्हें क्या कहते हैं मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है यदि हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें भाई अब्दुल कलाम की बात करें इन्हें किस नाम से तो इन्हें जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से इनको क्या कहते हैं भाई मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है ठीक है एक नाम आता है सलीम अली बेग का सलीम अली बेग की बात करें और इन्हें जाना जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया इनको क्या कहते हैं भाई इन्हें कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया की बात करें